नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। मुंडन हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। इसे चौल कर्म, चौल मुंडन और चूड़ा कर्म के आदि नामों से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2022 में मुंडन संस्कार के लिए कौन सी तिथियां शुभ रहेंगी, दिन व दिनांक क्या रहेंगे। साथ ही जानेंगे कि मुंडन से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगामी शुभ मुहूर्त की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। मुंडन संस्कार बालकों के विषम वर्ष यानी 3, 5 या 7 वर्ष में करवाने चाहिए, तो वहीं बालिकाओं के लिए सम वर्ष यानी 2, 4, 6 और 8 वर्ष में करवाने चाहिए। मुंडन संस्कार के लिए शुभ नक्षत्र होते हैं ज्येष्ठा, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, हस्त, अश्वनी, पुष्य, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। वहीं मुंडन संस्कार के लिए शुभ दिन होते हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। मुंडन संस्कार आषाढ़ में आषाढ़ी एकादशी से पहले और उसके अलावा माघ व फाल्गुन माह में कराना बेहद शुभ होता है। वही चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ माह में जन्मे बच्चों का या यदि मुंडन किए जाने वाला बच्चा घर का ज्येष्ठ हो तो इस माह में मुंडन संस्कार नहीं कराना चाहिए। किसी बालिका का मुंडन शुक्रवार के दिन करना वर्जित माना गया है। वही मुंडन संस्कार बच्चे के जन्म के माह व जन्म के नक्षत्र के साथ ही चंद्रमा के चतुर्थ, अष्टम, द्वादश और शत्रु भाव में स्थित होने पर किया जाना भी निषेध माना जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2022 में मुंडन संस्कार के लिए कौन सी तिथियां शुभ रहेंगी।